मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर के दीगर इलाकों में माहे सयाम के आगाज से ही फल सब्जी मसाला जात समेत दीगर अशियाए खुर्दनोश की आसमान से बातें करती कीमतों ने लोगों की चीखें निकाल दी हैं। गरीब आदमी के लिए कोई यहाँ पे गुजारा नहीं है। कल टमाटर 200 थे, आज टमाटर 300 है। कल आलू 180 थे, आज आलू 350 है। क्या करोगे आप? एक दिन के अंदर कोई तेजी आती है? ये एक दिन के अंदर कोई किराया 1 रुपया बढ़ता है? नहीं बढ़ता। हर चीज महंगी हो गई है और कोई रेट लिस्ट नहीं है किसी के पास, ना हमें दिखाते हैं कोई, भाई लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो चले जाओ। लोगों का कहना है कि इंतजामी इदारों की जानिब से जारी करदा निर्खनामों पर अमल दरामद भी एक ख्वाब बन चुका है, जबकि इंतजामी इदारों के हुकाम की कारकर्दगी महज दावों तक ही महदूद है। ताजर रहनुमा हैं, दूसरे जो लोग हैं उनसे मीटिंग हुई है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत ऐसी नहीं आई कि उन चीज़ों की मामूल से ज़्यादा कीमतें। हम भी साथ साथ देख रहे हैं और डेली बेसिस पे जो रेट लिस्ट जारी हो रही है उसको अमल दरामद के लिए हमने जोन वाइज मजिस्ट्रेट्स भी लगाए और इंशाल्लाह इस पे हम अमल दरामद भी करवाएंगे। बाजारों में टमाटर 70 रुपए किलो, आलू 80 रुपए, प्याज 90 रुपए, लहसुन 400 रुपए, खरबूजा 150 रुपए, सेब 200 रुपए किलो और केला 220 रुपए दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं।